Hello students, welcome to Adarsh English classes and today we are going to discuss question answer. पिछले वीडियो में हमने बी अ फ्रेंड का फुल पोएट्री को एक्सप्लेन किया था. आज हम उसका क्वेश्चन आंसर करेंगे. टाइम टू आंसर. सो चूज द करेक्ट आंसर. व्हाट इज़ द पोएम अबाउट. ये पोएम किस बारे में है. चार ऑप्शंस हैं आपके पास और आपको चूज करना है. ऑन हाउ टू बी अ गुड फ्रेंड, ऑन हाउ टू चूज अ गुड फ्रेंड, ऑन हाउ टू गेट रिड ऑफ बैड पीपल इन योर लाइफ एंड नेक्स्ट ऑन हाउ टू बी रिच लाइक अ प्रिंस. इन चारों में से ये पोएम किस बारे में है. तो फर्स्ट वन, जैसा कि आप देख सकते हैं, आई ऑलरेडी टिक्ड ऑन हाउ टू बी अ गुड फ्रेंड. एक अच्छा दोस्त कैसे बना जा सकता है, किन किन चीज़ों को फॉलो करके हम एक अच्छा दोस्त बन सकते हैं. इट विल बी दिस वन. एंड नेक्स्ट, विच लाइन्स टेल यू मेकिंग फ्रेंड्स डजेंट नीड अ लॉट ऑफ एफर्ट. सो इस लाइन में आप देखिए, क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट इज सेइंग दैट. कौन सी लाइन है जो कह रही है कि फ्रेंडशिप के लिए जरूरी नहीं है. तो चार ऑप्शन हैं आपके पास. शेयर द यूथ हु इज ब्रेवली ट्राइंग, पिटी हिम हु इज सैडली साइंग. नेक्स्ट वन है, यू विल बी रिचर इन द एंड देन अ प्रिंस इफ यू आर अ फ्रेंड. एंड थर्ड वन, जस्ट द विल टू गिव अवर लैंड, दिस विल मेक यू समवन्स फ्रेंड. एंड फोर्थ वन, बी अ फ्रेंड द पे इज बिगर. तो इन चारों में सबसे सूटेबल आंसर क्या है कि फ्रेंडशिप के लिए क्या ज़रूरत नहीं है. सो ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है. चेयर द यूथ हु इज़ ब्रेवली ट्राइंग एंड पिटी हिम हु इज़ सैडली शाइंग. तो जो ट्राई कर रहे हैं पूरा ब्रेव के साथ, उनका यहाँ पर क्या करना है, उस यूथ को यहाँ पर आपको शेयर करना है, उनकी तारीफ करनी है, प्रोत्साहित करना है, उनको इनकरेज करना है. और वैसे जो लोग दुखी हैं उनको थोड़ा सा दया दिखाना है. यानी कि ऑप्शन वन आई हैव ऑलरेडी टिक्ड, ऑप्शन वन आपका सही हो जाएगा. नेक्स्ट, मैच ईच स्टेंजा विथ इट्स मीनिंग. यू कैन सी दैट हियर इज अ लॉन्ग मैचिंग. So now, be a friend, you don't need money, just a disposition shiny, just the wish to help another get along some way or other. तो you don't need money. अब इस चार options में से हम देखेंगे कि money वाला कौन सा है. तो you can see that clearly. Third number पे आ जाओ. To be a friend, we don't need money. तो one का हमारा third हो जाएगा, जैसा कि मैंने पहले से कर रखा है. सेकेंड का वन हो जाएगा, वी कैन एक्सटेंड अ हैंड ऑफ फ्रेंडशिप टू समवन हु हैज नो फ्रेंड्स. यहाँ पर टू का वन हो जाएगा. एंड सी, बी अ फ्रेंड द पे इज बिगर. सी का टू ऑप्शन हो जाएगा, व्हेन यू आर ट्राइंग योर बेस्ट टू बी अ फ्रेंड. नेक्स्ट वन है, यू विल हैव फ्रेंड्स इंस्टेंट नेवर. तो इसका हो जाएगा सेकंड नंबर, व्हेन यू ट्राई योर बेस्ट बी अ फ्रेंड योर नेबर्स विल टर्न इनटू फ्रेंड्स. आपके जो पड़ोसी हैं वही दोस्त में तब्दील हो जाएंगे. आई थिंक ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट आर द टू थिंग्स यू वुड रिक्वायर टू बी अ गुड फ्रेंड. एक अच्छा फ्रेंड बनने के लिए इस पोएम में क्या रिक्वायर की जा रही थी. तो आंसर, आप लोगों ने पोएम को अगर पढ़ा है मेरे साथ तो पता है कि क्या क्या चाहिए. एक तो काइंड हैंड और दूसरा ऑनेस्ट एफर्ट चाहिए. ये दो चीज़ के साथ आप गुड फ्रेंड बन सकते हैं. नेक्स्ट वन है, टू बी अ गुड फ्रेंड व्हाट शुड यू इग्नोर. एक अच्छा फ्रेंड बनने के लिए किस चीज़ को आपको इग्नोर करना चाहिए. तो एक तो है ट्रिफलिंग एफर्ट्स और दूसरा है प्रीटेंड ग्लोरी.
पहला तो है कि दिखाना, दिखावा नहीं करना है आप लोगों को, दोस्त बनने के लिए, सच्चा दोस्त बनने के लिए दिखावा नहीं करना है। और ट्रिफलिंग स्मॉल, और किसी को भी ऐसे छोटा नहीं समझना है। ट्रिफलिंग एफर्ट्स ब्लाइंडली, मतलब अपने दोस्त की छोटे मोटे गलतियों को हमें इग्नोर करके और फ्रेंडशिप को बहुत ही ज़्यादा क्लोज करना है। तो ये दो चीज़ें हैं जो हम इग्नोर कर सकते हैं और हमें करना चाहिए। क्वेश्चन फोर, व्हाट कैन यू डू टू बी फ्रेंड्स विद समवन हु हैज़ नो फ्रेंड्स। तो आप उससे कैसे दोस्ती कर सकते हैं जिनका कोई भी दोस्त नहीं है। तो जैसा कि हमने पोएम में पढ़ चुका है कि जस्ट काइंडली हैंड एक्सपेंडेड, हमें अपना दया का हाथ उसकी तरफ बढ़ाना है। जो सैड है, जो दुखी है, उसकी तरफ अपना पिटी हैंड बढ़ाना है और उससे हमें दोस्ती कर लेना है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, हाउ कैन यू बी रिचर देन अ प्रिंस। आप एक प्रिंस से भी रिचर कैसे बन सकते हैं, उससे भी बड़ा और धनी कैसे बन सकते हैं। वेरी सिंपल, इफ़ यू हैव फ्रेंड देन यू आर रिचर देन अ प्रिंस। अगर आपके पास फ्रेंड है तो आप प्रिंस से भी, किसी किंग और किसी प्रिंस से भी आप क्या हैं, ज़्यादा रिचर हैं, धनी हैं, वेल्दी हैं। नाउ रेफरेंस क्वेश्चंस, रीड द लाइन्स फ्रॉम द पोम एंड आंसर द क्वेश्चंस। चीयर द यूथ हु इज ब्रेवली ट्राइंग एंड पिटी हिम हु इज सैडली साइंग। जस्ट अ लिटिल लेबर स्पेंड ऑन द ड्यूटीज ऑफ अ फ्रेंड। ये चार लाइन का जो एक ये अस्टेंजा है, इसको रीड करके आपको क्वेश्चन का आंसर देना था। सो क्वेश्चन नंबर ए, हाउ कैन यू बी अ फ्रेंड ऑफ अ यंग पर्सन हु इज ट्राइंग हार्ड। आप किसी यंग पर्सन से कैसे दोस्ती करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, काफ़ी कड़ी मेहनत कर रहा है। वेरी सिंपल, जैसा कि हमने पोएम में देखा है कि हम उसको क्या करेंगे, चेयर करेंगे, है ना। सो यू बी अ फ्रेंड ऑफ अ यंग पर्सन हु इज ट्राइंग हार्ड, सो यू हैव टू चेयर दिस पर्सन। नाउ क्वेश्चन नंबर बी, हाउ कैन यू बी अ फ्रेंड ऑफ अ पर्सन हु इज सैड। एक ऐसा पर्सन जो सैड है, आप उससे कैसे दोस्ती कर सकते हैं। वेरी सिंपल, यू कैन बी अ फ्रेंड ऑफ अ पर्सन हु इज सैड बाय द हेल्प ऑफ पिटीनेस। उस पर दया दिखा करके आप उससे दोस्ती कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सी, अकॉर्डिंग टू द पोएट व्हाट इज वन ऑफ द ड्यूटीज ऑफ अ फ्रेंड। आप इस स्टेंजा में भी देख सकते हैं कि पोएट के अकॉर्डिंग एक फ्रेंड की क्या क्या ड्यूटीज होनी चाहिए। सो जस्ट अ लिटिल लेबर स्पेंड ऑन द ड्यूटीज ऑफ अ फ्रेंड। तो अपनी फ्रेंडशिप को बचाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए थोड़ा सा हार्डवर्क करना चाहिए और उस पर थोड़ा सा समय देना चाहिए। अपने दोस्त को समय दीजिएगा, बातें एक दूसरे से शेयर करिएगा, उसकी प्रॉब्लम को समझिएगा, कोई सॉल्यूशन निकालिएगा। यही तो ड्यूटीज होती है एक फ्रेंड की। नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर डी, हाउ डज पुटिंग इन अ लिटिल एफर्ट फ्रॉम योर साइड हेल्प अनदर और अदर्स। तो आप अपने तरफ से क्या ऐसा कोशिश करेंगे दूसरों की हेल्प के लिए। तो हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे टू चेयर, टू पिटी और लिटिल लेबर स्पेंड। हम किसी को हंसाने की कोशिश करेंगे, किसी पर दया करेंगे, गिविंग और टेकिंग, किसी को कुछ चीज़ें दे देंगे, किन्हीं की हेल्प कर देंगे और दोस्ती पर थोड़ा सा समय खर्च करेंगे। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम अपनी तरफ से किसी की मदद करके अपनी दोस्ती को बचाए रख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।